ओम सायराम। तो भक्तो, आओ मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर बाबा ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया है। हम लोग शिरडी से 3 किलोमीटर दूर सावलीवीर के पास जा रहे हैं। सावलीवीर इसका साई सच्चरित्र में भी कई बार उल्लेख आ चुका है। नीमगांव छोड़ते ही आगे 1 किलोमीटर सावली विहार आ जाती है। भक्तों, बात है 1910 में सावली विहार इस गांव में धनत्रयोदशी का दिन था और उस वक्त एक लोहार सावली विहार में अपनी पत्नी के साथ भट्टी के पास कुछ लोहे के औजार बनाने का कार्य कर रहा था और वह कार्य करते हुए इतना मग्न हो चुका था कि उसे आजू बाजू का ख्याल ही नहीं था, क्योंकि दीपावली के दिन थे और औजार बनाकर बेचकर उससे गुजारा चलता था और भट्टी में हवा डालने का काम उसकी पत्नी वहां खड़ी होकर भट्टी में हवा देने का काम करती थी। भट्टी का एक साइड में एक बाजू में एक डोर से भट्टी को खींचना उसका चालू था और इससे वह भट्टी गर्म होकर भट्टी में जितने भी कोयले थे उन्होंने उग्र रूप धारण किया था। ज्वाला धधकने लगती थी। उसे देखते हुए वह लोहार अच्छे से अपने औजार बना रहा था और उसके पास उस लोहारिन के हाथ में उनकी एक बच्ची थी। काम करते करते वो भी इतनी निमग्न हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह बच्ची उसके हाथ से छूटकर कब उस भट्टी में गिर गई। अब भट्टी में गिरते वक्त उस लोहारिन को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ शिरडी में बैठे हुए विश्व के रक्षक, इस ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज जी को सब दिखाई देता था। यहाँ बाबा द्वारका माई मस्जिद में धुनी माई के पास बैठकर कुछ लकड़ियाँ धुनी में डाल रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर बाबा ने अपने दोनों भी हाथ धुनी में डाल दिए। यह देखते हुए वहाँ खड़े कुछ भक्तों ने बाबा को पीछे खींच लिया। उन भक्तों में से बाबा के चहेते भक्त भागोजी शिंदे ने जोरदार आवाज में कहा कि देवा, ये क्या कर रहे हो? आपने अपने दोनों हाथ धुनी में डाल दिए और बुरी तरह से वो हाथ जल गए हैं। तब तक बाबा कुछ नहीं बोल रहे थे। बाबा मात्र एकटक धुनी की ओर देख रहे थे। कुछ समय के पश्चात बाबा अपने आप ही मुस्कुराने लगे। तब तक बहुत सारे भक्त वहाँ इकट्ठा हो रहे थे और उन्हें सबको, सारे भक्तों को एक ही चिंता थी, एक ही प्रश्न था कि क्यों बाबा ने अपने दोनों हाथ धुनी में डालकर जला लिए। इसे क्या समझ है? बुरी तरह से बाबा के हाथ जल चुके थे। यह देखते हुए समस्त भक्तों को बड़ा दुख हो रहा था। कुछ समय पश्चात बाबा हल्के से मुस्कुराने लगे तो भक्तों ने पूछा, अब ये क्या है, अपने हाथ भी जला लिए और ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हो, क्या बात है बाबा? तो बाबा ने कहा, अरे मेरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, लेकिन वहां सावली विहार में उस लोहारिन की बच्ची अनायासी भट्टी में गिर गई, मुझे पहुंचना पड़ा क्योंकि वो लोहार भी मेरा भक्त है, उसकी रक्षा करना भी मेरा दायित्व है और इसीलिए मुझे अविलंब वहाँ पहुँचना पड़ा। उसको बचाते बचाते कब मेरे ये दोनों हाथ जल गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है परमात्मा का, मेरे मालिक का, कि बच्ची बच गई, लोहार की कन्या बच गई है, उसे कुछ नहीं हुआ है। मेरे हाथ जलने
तो कोई फिक्र नहीं है, वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन उसका बचना बहुत जरूरी था। यह सुनते सारे भक्त अपने आप को रोक नहीं पाए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। और वहां बच्ची बचने के बाद उस लोहारिन की आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरे बाबा ने ही आकर मेरी बच्ची को बचाया। यह एहसास उन दोनों लोहार और लोहारिन को हो गया था कि बाबा ने ही उनकी बेटी के प्राण बचाए हैं। तो आइए, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। ये थी बाबा के और एक लीला जो मैं आज आप सभी सही भक्तों के चरणों में अर्पण करते हैं। तो आइए, सावली वीर से फिर हम शिरडी की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम साई राम।